हम लोग आज खड़े हुए हैं गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की धरा के अंदर, संचालित हॉस्पिटल के लैब के अंदर। यह एक वो डिपार्टमेंट है जहां पर अनेकों ऐसी बीमार गौ माता आती हैं जिनकी किसी बीमारी का पता ही नहीं है, क्योंकि गौ माता बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती कि उसको इंटरनली उसके शरीर में क्या बीमारी है, और बहुत सी बार वो बीमारी डॉक्टर बाहर से उसको पता भी नहीं कर पाते। उसके लिए गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में पूज्य देवी जी का यह बड़ा ही सुंदर प्रकल्प, इस प्रकल्प के अंदर सुंदर लैब का यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है, और इस लैब के अंदर जो गौ माता भीतर शारीरिक रूप से बीमार है या किसी बुखार का शिकार है या कई दिन से खाना नहीं खा पा रही है, किस कारण से, उन गौ माताओं की खून की जांच, उनके गौमूत्र की जांच, उनके ब्लड की जांच, उनके स्किन के टिश्यूज की जांच, ये सारी जांचें गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में इस लैब के माध्यम से की जाती हैं। इस लैब के साथ साथ में इसी गौ सेवा धाम हॉस्पिटल प्रांगण में बड़ी सुंदर सुविधा, एक्सरे मशीन की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। बहुत सी बार हमने देखा है आदमियों में भी प्रतिदिन कोई जाता है हॉस्पिटल के अंदर, एक्सरे चलते रहते हैं, कोई हाथ टूट गया, किसी का पैर टूटा हुआ है, तो डॉक्टर्स जाकर के उसको परामर्श देते हैं कि आप एक्सरे करा करके लाइए। यह एक्सरे का प्रोविजन गौ माताओं के लिए भी गौ सेवा धाम में है। ये हाईटेक एक एक्सरे मशीन 1000 MA एक पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जिसके वजह से ही एक्सरे जो बोन से हड्डी है वो दिखती है क्लियरली। तो ये 1000 MA की मशीन, क्योंकि आदमियों में जो यूज होती है वो मैक्सिमम 600 MA की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। गौ माता का काफी बड़ा शरीर होता है, पैर भी काफी होते हैं, मांसपेशियां ज्यादा होती हैं, उस वजह से ये एक्सरे मशीन 1000 MA जो कि लगभग पूरे NCR में हमारे में नहीं है, गौ माताओं की सेवा में पूज्य देवी जी के इस प्रकल्प में यह भी यहाँ सेवा में संचालित है, और यह संपूर्ण सेवा निःशुल्क है। किसी भी गौ माता की, चाहे वो किसी किसान की हो या किसी रोड पर या किसी गौशाला की कोई भी गौ माता हो, उन किसी भी गौ माताओं से या उसके पालक से यहाँ गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में कोई भी उससे शुल्क नहीं लिया जाता। ये संपूर्ण सेवा अर्थ ये सब केवल ठाकुर जी के आशीर्वाद और आप सब लोगों के सहयोग से। इसी सेवा में काफी हम लोगों ने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में लैब के साथ साथ में ऑपरेशन बहुत किए हैं, अत्याधुनिक उपकरण ये सभी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं लैब के लिए, और ऑपरेशन के दौरान अनेकों ऐसे ऑपरेशन भी किए हैं जो ऑपरेशन बड़े ही क्रिटिकल थे। ऐसे ऐसे ऑपरेशन थे, डॉक्टरों को भी बहुत टाइम लगा ऑपरेशन को करने में, और उनको टेक्निकली भी देखा जाए वेटनरी लाइन के दौरान भी, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ऑपरेशन बड़ा ही कठिन होता है, और समय रहते हुए यदि वो गौ माता गौ सेवा धाम में आ जाती है, अनेकों ऐसे ऑपरेशन से यहाँ पर हमने किए हैं, सींग के कैंसर बहुत अधिक गौ माता के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनकी एक स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। यदि हमारे पास गौ माता फर्स्ट स्टेज तक किसी की सूचना मिल जाए या गौ माता हॉस्पिटल में कोई लेकर के आ जाए, तो उन ऑपरेशनों के द्वारा उन गौ माताओं को बचाया जाता है, कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद दी जाती है, और धीरे धीरे गौ माता स्वस्थ हो जाती है। अनेकों ऐसे ऑपरेशन हैं, ज्यादातर सींग में कैंसर पाया जाता है, और कई बार गौ माता के मुंह में, पूंछ में या इस जगह पे भी कैंसर पाया जाता है, जिसमें एक कैंसर का हम लोगों ने, क्योंकि ये सैंपल हम लोग टिश्यूज रखते हैं ताकि कभी आगे फ्यूचर में रिसर्च के तौर पे भी इनको काम किया जाए कि किस प्रकार कैंसर डेवलप हुआ और उसका क्या समाधान किया जा सकता है। एक गौ माता की आंख में भी कैंसर था, तो यहाँ पर एक गौ माता की आंख जो है ऑपरेशन के पश्चात उसको यहाँ पर लैब में रखा गया है। बहुत सी बार गौ माता का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, गौ माता प्रेग्नेंट होती है, पेट में बच्चा होता है, ऐसी स्थिति में डॉक्टरों को संशय होता है कि शायद गौ माता का जो बच्चा है वो अभी बचा हुआ है, उसको ऑपरेशन करके देखा जाता है, प्रयास किया जाता है बचाने का, गौ माता और बच्चे दोनों में से जो भी बच पाए। तो अधिक ऐसी स्थिति में दो बार तीन बार हमारे पास ये छोटे छोटे एक्सीडेंट की वजह से ये नन्नी नन्नी जानें चली गई, इनको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और भी विशेष रूप से मैं बात करूं तो ऑपरेशन की तो बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है, अनेकों प्रकार के ऑपरेशन, अनेकों प्रकार की बीमारियां,
जैसे कि ज्यादातर हमने देखा है गौ माता के पेट में प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में आपने सुना भी होगा कई बार और टीवी के माध्यम से, क्योंकि हम लोग आज गौ सेवा धाम में तो आपको विस्तार से ये पूरी जानकारी भी देंगे। प्लास्टिक कचरा जो हम लोग बाहर ढेर में फेंक देते हैं, वो गौ माता उसी कचड़े को खाने के लिए मजबूर हो जाती है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। अब उस कचड़े के ढेर में अनेकों ऐसे कील, पत्थर, घर से कोई गलती से पेप्सी का ढक्कन, ये सब फेंके हुए जो अनवांटेड जो तत्व होते हैं ये भी उसमें पाए जाते हैं, और गौ माता भोजन के साथ साथ में उनको भी ग्रहण कर लेती है। और एक ऐसा समय आता है कि जब गौ माता के पेट के अंदर इतनी पॉलिथीन जमा हो जाती है या इतने ये तत्व जमा हो जाते हैं कि वो गौ माता उससे आगे खा ही नहीं पाती। ऐसे केसों के अंतर्गत हमने लगभग 70 किलो पॉलिथीन तक गौ माता के पेट से निकाली है। उस दौरान गौ माता के पास कोई प्रकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं रह पाता है, केवल एक ही विकल्प रहता है ऑपरेशन का। अब उस ऑपरेशन के दौरान आप लोग देखें एक बार कितने सारे ऐसे तत्व निकलते हैं जो ऑपरेशन में, पॉलिथीन तो निकलती है, पॉलिथीन के अलावा ये बटन है छोटा बटन, कील, ये एक चूड़ी का टुकड़ा है, छोटे छोटे वार्सल, और ये एक ऑपरेशन है मेरे पास यहाँ पर, ये पूरी कतार है। लगभग हमने ये 60-70 ऑपरेशन किए हैं। कुछ ऑपरेशनों को हमने लोगों को दर्शाने के लिए, जागरूकता के लिए यहाँ पर रखा है। और एक गौ माता, ये पलवल से कहीं से आई थी, उन गौ माताओं के पेट से अनेकों ऐसे तत्व निकले। ये एक पेप्सी का ढक्कन। हम लोग घर का जो कूड़ा कचड़ा है वो सब कूड़ा कचड़ा एक पॉलिथीन में बंद करके, और घर के जो खाद्य पदार्थ जो बचते हैं उनको भी उसी पॉलिथीन में डाल देते हैं, और पॉलिथीन को ऊपर से बंद करके और कचड़े में डाल देते हैं। इसी की वजह से गौ माता जो पॉलिथीन खोल नहीं पाती है, और उस भोजन के लालच में वो पूरा पॉलिथीन के साथ में वो भोजन और ये जो हम लोग घर से कूड़ा फेंकते हैं वो सब पेट के अंदर ग्रहण कर लेती है, और ये सब पेट में जमा होता रहता है। और एक कभी समय ऐसा आता है कि इंटेस्टाइन के अंदर वो जाकर के कहीं पिंच करती है। जैसे कि एक और केस हमारे पास है, एक बार एक गौ माता ही जो कि एक्सपायर थी, मरी हुई थी, लेकिन यही गौ सेवा धाम में आकर के वो उन्होंने अपना प्राण त्यागे। डॉक्टरों ने पता करने की कोशिश की किस प्रकार गौ माता का निधन हुआ, तो ये गौ माता का दिल है, हार्ट। प्रॉपरली उसको देखा, जांच की गई, तो जांच के दौरान पाया गया कि जो गौ माता कचड़ा खा रही थी उस कचड़े के अंदर एक ये छोटी सी निडल जो सुई धागा होता है पेट से र्यूमन के द्वारा वापस ये जाकर के हार्ट में यहां पर लगी, और इसका पूरा हार्ट काम करने से बंद हो गया, जिसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में TRP बोलते हैं। हार्ट पंचर हो गया और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, और इस वजह से गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तो मेरा ये हार्दिक निवेदन, कृपया गौ माता के लिए इतना कम से कम करें, पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद कर दें, और घर से कोई भी कचड़ा यदि आप फेंकते हैं तो उसके अंदर खाद्य सामग्री को अलग डालें, और जो ये तत्व है, कील है, ये लोहे की आइटम है, चूड़ी है, जो ये आइटम होते हैं इनको अलग डालें। इससे आपकी भी एक पहल होगी गौ माता के संरक्षण।